नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 5 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसके गुणों के बारे में जानकर आप भी इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और जानें इस पौधों के बारे में रोचक जानकारी। दोस्तों, रोजमेरी यानी गुल मेहंदी, इसके पत्तों को बहुत सारे व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डीप मीठी सी खुशबू आपको ज़रूर पसंद आएंगे। रोजमेरी का चाय सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस पौधे को कटिंग और सीड्स दोनों से आसानी से लगाया जा सकता है। पेपरमिंट यानी मेंथा, यह पौधा बिल्कुल ही पुदीने की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसके पत्तों की खुशबू आपको तरोताजा कर देगी। इसके पत्तों से तेल बनाए जाते हैं और इसका उपयोग लगभग हर टूथपेस्ट, ऑयल और कई प्रोडक्ट में भी होता है। अगर आप इसके सिर्फ एक पत्तों को चबाएंगे तो आपके माउथ फ्रेश हो जाएंगे। इसे कटिंग से आसानी से लगाया जाता है। लेमन ग्रास नाम से ही पता चलता है कि यह पौधा नींबू की खुशबू वाला है। इसके पत्तों से काढ़ा या चाय बड़े ही टेस्टी और खुशबूदार बनते हैं। लेमन ग्रास के पत्ते सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसे कटिंग और एक पौधों से अनेकों पौधे बड़े ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। अगर आप इस पौधे को अपने गार्डन में लगाते हैं तो आसपास मच्छर भी कम आते हैं। दोस्तों, तुलसी एक जानी मानी औषधि है और यह लगभग हर घरों में लगाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता है। सर्दी खांसी से लेकर कई बड़ी बीमारियों में भी यह एक कारगर औषधि है। तुलसी के पौधे को सीड्स से लगाया जाता है और अगर इसकी कम केयर भी करेंगे तो ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। आपने पत्थरचट्टा के पौधों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। यह पौधा बहुत ही कम केयर के साथ ही अच्छे ग्रोथ करते हैं। पत्थरचट्टा के मेडिसिनल वैल्यू भी हैं। अगर आप इसके कुछ पत्तों को तोड़कर खाएंगे तो पेट से जुड़े बीमारी जैसे पथरी में अधिक कारगर होता है। इसे आप सिर्फ एक पत्तों से ही उगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 हर्बल प्लांट्स जिसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ही लगाएं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।